genetics. हेलो फ्रेंड्स, आज हम जेनेटिक्स का पहला चैप्टर इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन करेंगे। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो हेरिडिटी टॉपिक है, ये काफी प्राचीन समय से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम चाहेंगे हमारी जनरेशन, हमारे अगले आने वाले बच्चे काफी इंटेलिजेंट हो, उनमें डिजायर ट्रेट हो, तो इसके लिए जो स्टडी है वो हेरिडिटी है। हेरिडिटी के द्वारा हम अगली जनरेशन को डिसाइड कर सकते हैं, अगली जनरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसी चीज को सबसे पहले प्राचीन समय से साइंटिस्टों ने किया। लेकिन जो सबसे पहले हेरिडिटी पे काम हुआ वो मेंडल ने किया, एक साइंटिस्ट हुए ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल। जी जे मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप सभी जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की अपने जैसी संतानें होती हैं। कैसे? आदमी के जो बच्चा पैदा होगा उसमें आदमी के ट्रेट होंगे, आदमी के गुण होंगे, आदमी के लक्षण होंगे उसके। उसी तरह से दो हाथ, दो पैर, आंख, नाक, कान, बॉडी शेप होगी, परंतु कुछ फीचर डिफरेंस भी होंगे। उसका रंग अलग हो सकता है, उसका साइज अलग हो सकता है, इंटेलिजेंस अलग हो सकती है, आंखों की शेप अलग हो सकती है, ये वेरिएशन है। इसी तरह से एक बंदर के जो बच्चे पैदा होंगे वो बंदर ही होंगे, वो कभी दूसरी जनरेशन नहीं हो सकता। ये सब हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है। अब हेरिडिटी का जो मेन कारण है वो क्या है? हेरिडिटी का जो मेन कारण है वो है डीएनए। हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल डिफरेंस है, एक स्पेशल मॉलिक्यूल जो डीएनए है उसमें डिफरेंस है। हमारा डीएनए बंदर का डीएनए डिफरेंट होगा, एक कुत्ते का डीएनए, एक चूहे का डीएनए अलग होगा, उसमें कुछ डिफरेंस होगा जिस वजह से उसमें वो ट्रेट आती हैं। डीएनए की वजह से ही हमारे करैक्टर्स हैं। जो डीएनए है, डीएनए अपने करैक्टर देता है। डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन की वजह से हमारे अंदर हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है। हर ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोटीन है ये डेफिनेट करैक्टर को डिसाइड करती है कि हमारे अंदर कौन सा करैक्टर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ये सारा जो हमारे अंदर डिफरेंस है वो इस प्रोटीन की वजह से है। इस हेरिडिटी को सबसे पहले इस पे जो एक्सपेरिमेंट किए वो ग्रेगर जॉन मेंडल था, जी जे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, और उसने 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के ऊपर। इसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। दिस वाज द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए पाइसम सटाइवम, एक मटर का पौधा होता है, उसको उसने एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो वास्तव में बहुत एडवांस एक्सपेरिमेंट थे। ये एक्सपेरिमेंट उसने 1857 से 1864 तक किए, और फिर इन एक्सपेरिमेंट के बाद उसने अपने कुछ रूल्स, कुछ लॉ, कुछ फाइंडिंग, कुछ डिस्कवरी जो उसने देखा वो दिया। लेकिन मेंडल इस मामले में काफी अनलकी रहा। 1890 में मेंडल की डेथ हुई। मेंडल ने जो डिस्कवरी की, मेंडल ने जो मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए और उसका जो रिजल्ट आया हेरिडिटी संबंधी, वो बाकी ऑर्गेनिज्म पे भी लागू होता है। तो लेकिन मेंडल की डिस्कवरी को मेंडल के टाइम में किसी ने पहचाना। एक्चुअल में मेंडल एक फादर था चर्च में, और फादर होने की वजह से उसकी ये जो एक्सपेरिमेंट थे, उसकी जो डिस्कवरी थी, उसका जो वर्क था, वो किसी साइंस मैगजीन का हिस्सा नहीं बन पाया। किसी भी साइंस मैगजीन में उसका काम नहीं छपा, जिस वजह से मेंडल के काम की लोगों को जानकारी कम हुई। मेंडल 1890 में देहांत हो गया, मर गया। उसके बाद 1900 में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोबारा से हेरिडिटी पे एक्सपेरिमेंट किए,
और उन्होंने अपना जो डिस्कवरी दी वो ही दी जो मेंडल ने 1864 में कर ली थी। जब उनकी डिस्कवरी साइंस की मैगजीन में पब्लिश हुई तो पता लगा कि जो डिस्कवरी आज तुम कर रहे हो वो डिस्कवरी आज से लगभग 35-36 साल पहले मेंडल ने की थी, और मेंडल की डिस्कवरी को किसी ने वेटेज नहीं दिया। तब मेंडल को उन्होंने बताया कि ये जो डिस्कवरी हमने की, ये डिस्कवरी का असली क्रेडिट मेंडल को जाना चाहिए। तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की पदवी दी गई। मेंडल के जो वर्क था उसको सराहा गया और मेंडल को कहा कि मेंडल विल बी कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब बात आई, मेंडल ने इतना इंपॉर्टेंट काम किया तो ये जो काम है मेंडल का ये क्या था? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मटर के पौधे पर उसने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला होमोजाइगस, इसको मेंडल ने प्योर टर्म यूज किया। होमोजाइगस उसने उसको कहा जिसमें सारे गैमिट एक जैसे बने, सारे जीन एक जैसे हो, सारे फैक्टर एक जैसे हो। मेंडल ने नाम फैक्टर का दिया होमोजाइगस। जैसे कैपिटल टी अगर किसी में फैक्टर है मेंडल के अनुसार तो उसको हम होमोजाइगस या प्योर कहेंगे। दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, दोनों फैक्टर कैपिटल हैं। अगर इसी तरह से स्मॉल टी दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, ये भी प्योर या होमोजाइगस है। दूसरा उसने हेटरोजाइगस या हाइब्रिड, हेटरोजाइगस को हाइब्रिड नाम दिया। हेटरोजाइगस वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों फैक्टर अलग अलग तरह के हैं, जैसे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है, हेटरोजाइगस है। इसमें एक फैक्टर कैपिटल है, एक फैक्टर स्मॉल है, दोनों फैक्टर अलग अलग हैं। इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी हेटरोजाइगस होगा। इस तरह कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी हेटरोजाइगस होगा। इस तरह से अब मेंडल ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने प्योर प्लांट प्राप्त किए। मटर के पौधे में उसने, मटर में बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं, जैसे कुछ पौधे टाल होते हैं, कुछ पौधे ड्वार्फ होते हैं, टाल और ड्वार्फ, दो तरह के मटर के पौधे हैं, एक टाल और दूसरे ड्वार्फ। तो उसने क्या किया, मेंडल ने सबसे पहले प्योर टाल प्लांट प्राप्त किए। प्योर टाल प्लांट कौन से होंगे? प्योर टाल प्लांट उसने ऐसे बनाए कि एक क्यारी में उसने मटर के पौधे बोए और उनमें जो पौधा छोटा हुआ, जो पौधा ड्वार्फ हुआ, वो उसने उखाड़ दिया, वो उसने डैमेज कर दिया, निकाल दिया। फिर उनको अगली जनरेशन में फिर बोया वो, तो अगर कोई छोटा पौधा पैदा हुआ तो निकाल दिया। इस तरह से उसने ऐसे बीज बना लिए मटर के जिनको अगर बोए तो एक जैसे पौधे पैदा होंगे, सारे टाल पैदा होंगे, तो ये प्योर प्लांट कहलाता है। और प्योर प्लांट में दोनों फैक्टर एक जैसे मानते हैं, प्योर टाल को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। इसी तरह उसने प्योर ड्वार्फ भी बनाए, ऐसे पौधे जो हर बार ड्वार्फ ही पैदा करें, ये कंट्रास्टिंग करेक्टर है मटर में कि प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ, तो स्मॉल टी वाले ड्वार्फ प्लांट हो गए। ये स्मॉल और कैपिटल उसने एक किसी करेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई किया कि कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है, स्मॉल वाला रिसेसिव होता है, डोमिनेंट वाले का असर आता ही अपनी प्रोटीन बनाता है। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मटर के पौधे में प्योर प्लांट बनाए। उसने हर करेक्टर के लिए प्योर प्लांट बनाए। मटर के पौधे में 7 पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, उन 7 पेयर में से उसने हर पेयर के लिए प्योर प्लांट बना लिए। मान लो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर एक कंट्रास्टिंग ट्रेट है, उसने रेड फ्लावर के लिए भी प्योर प्लांट बना लिए, व्हाइट के लिए भी, टाल के लिए और ड्वार्फ के लिए भी उसने प्योर प्लांट बना लिए, टाल वाले अलग ड्वार्फ वाले अलग। इसी तरह येलो सीड और ग्रीन सीड, इसी तरह राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। तो मेंडल ने जब प्योर प्लांट बनाए, वास्तव में
मेंडल ये जानना चाहता था कि जिस तरह से एनिमल में अगर पेरेंट्स में एक करैक्टर है और दूसरे पेरेंट्स में दूसरा करैक्टर है, मान लो माँ में एक करैक्टर है, बाप में कोई दूसरा करैक्टर है, तो बच्चे में कौन सा करैक्टर जाएगा? अगर माँ बाप दोनों में डिफरेंट करैक्टर है तो बच्चे में उन दोनों में से कौन सा करैक्टर जाएगा? मेंडल का एक्सपेरिमेंट इस बेस पे था। उसने मटर के पौधे में अपने एक्सपेरिमेंट को किया, उसने सबसे पहले टाल प्योर और डुआर प्योर के बीच क्रॉस किया, उसने इनमें आर्टिफिशियल पोलिनेशन करके अगर प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ के बीच क्रॉस करें तो मेंडल ने दोनों के बीच क्रॉस करके जब क्रॉस होगा तो उसने देखा जो जनरेशन बनेगी इनसे जो पौधे पैदा होंगे उसको उसने F1 जनरेशन कहा, फर्स्ट फाइलर जनरेशन, ये सभी पौधे टाल बनेंगे। मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि अगर हम दो डिफरेंट करैक्टर के लिए होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म में क्रॉस कराएं तो पहली जनरेशन में कौन सा करैक्टर आएगा। उसने देखा कि अगर दो प्योर ऑर्गेनिज्म है, दोनों में एक करैक्टर डिफरेंट है, दोनों में एक ट्रेट का डिफरेंस है जिसके लिए दोनों प्योर हैं, जैसे टाल और ड्वार्फ में लेंथ का करैक्टर उसने लिया, एक प्योर टाल है, एक प्योर ड्वार्फ है, जब अब इनका क्रॉस करेंगे तो पहली जनरेशन में सारे टाल पैदा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्वार्फ करैक्टर पहली जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ। जो करैक्टर एक्सप्रेस नहीं होता उस करैक्टर को उसने कह दिया रिसेसिव करैक्टर। तो यहां ड्वार्फ करैक्टर कैसा करैक्टर है? रिसेसिव। ड्वार्फ करैक्टर है रिसेसिव। और जो करैक्टर आया वो करैक्टर, जैसे कि टाल आया तो टाल करैक्टर को उसने कह दिया डोमिनेंट। तो डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर में जब क्रॉस कराएं तो पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट करैक्टर ही एक्सप्रेस होगा। ये मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट था और इसी बेस पे उसने अपना पहला लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा When a monohybrid cross is done for a pair of contrasting character, then only one character of the pair appears in the first generation and this character is called dominant character. The character that is seen in the first generation, पहली generation में जो character है, जैसे यहां टाल आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? Dominant character। और जो नहीं आएगा उसको हम कहेंगे रिसेसिव करैक्टर। तो पहली जनरेशन में प्योर ऑर्गेनिज्म में क्रॉस में कौन सा करैक्टर आएगा? डोमिनेंट करैक्टर। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको उसने एक सिंबल में भी दिखाया, उसने फैक्टर मान के बताया। उसने कहा कि जो प्योर टाल है उसमें दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, मेंडल ने इनको फैक्टर का नाम दिया, ये होमोजाइगस हैं दोनों, कैपिटल टी। डोमिनेंट को कैपिटल अक्षर में लिखते हैं और ड्वार्फ रिसेसिव है इसको स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल टी। जब यहां से गैमिट बनेंगे एक करैक्टर आएगा, एक ट्रेट आएगी, एक जीन आएगा, एक फैक्टर आएगा, यहां से सभी कैपिटल टी वाले गैमिट बनेंगे। मान लो ये पोलन बनते हैं तो पोलन में आधे क्रोमोसोम आते हैं, हमें पता है आज मियोसिस की वजह से, लेकिन मेंडल ने इनको फैक्टर माना, आधे फैक्टर एक पेरेंट से आएंगे आधे दूसरे, इधर से कौन सा फैक्टर आएगा? स्मॉल टी वाला। और जब ये दोनों फैक्टर मिलेंगे एक तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात ये दोनों प्योर थे पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग आए F1 जनरेशन में ये कैसे आए? हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड में कौन सा करैक्टर आएगा? जो डोमिनेंट वाला है, अर्थात ये टाल होगा। ये मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट था, मेंडल का पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जब हम एक टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन में जो करैक्टर आएगा वो करैक्टर डोमिनेंट आएगा और वो डोमिनेंट करैक्टर हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में होगा, ये ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड बनेगा लेकिन करैक्टर एक्सप्रेशन इसमें
डोमिनेंट वाला होगा। ये मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल ने इसे आगे सोचा, उसने सोचा अगर इस तरह से एक करैक्टर डोमिनेंट करैक्टर आ जाए तो इससे रिसेसिव करैक्टर तो रहेगा ही नहीं, आगे कुछ समय के बाद सभी ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट करैक्टर आएगा और ये रिसेसिव करैक्टर खत्म हो जाएगा। तो उसने इसकी आगे हेरिडिटी सोची, तो फिर उसने आगे एक्सपेरिमेंट किया, ये जो F1 जनरेशन वाले हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो टाल है इसका उसने फिर आगे क्रॉस किया आपस में एक दूसरे प्लांट के साथ, सेम स्ट्रक्चर वाला हाइब्रिड प्लांट जो ऐसे मिला इनमें आपस में क्रॉस किया। अब उसने एक अजीब रिजल्ट देखा, उसने देखा कि अगली जनरेशन में कुछ पौधे टाल हैं कुछ पौधे ड्वार्फ हैं, अर्थात ये 3:1 में टाल और ड्वार्फ पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो करैक्टर जो पहली जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो सेकंड जनरेशन में आ गया। यहां एक विशेष काम हुआ, F1 जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म नहीं था, दोनों हाइब्रिड प्लांट थे हाइब्रिड टाल थे, उसने हाइब्रिड टाल में क्रॉस करवाया, जो F1 जनरेशन से जो ऑर्गेनिज्म मिले जो ऑर्गेनिज्म प्राप्त हुए हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जब इनका ये टाल हैं दोनों, लेकिन इनसे जो गैमिट बनेंगे, दो तरह के गैमिट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाले और एक स्मॉल टी वाले, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला। जब ये दोनों आपस में गैमिट बनगा के रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये हमारे पास पॉसिबल है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। यहां एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, हम हमेशा डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, जैसे जीनोटाइप में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी रिसेसिव है। हम इसको अगर स्मॉल टी कैपिटल टी लिख देंगे कंपोजिशन तो वही रहेगी, एक कैपिटल एक स्मॉल है, लेकिन ये साइंटिफिकली ये स्मॉल टी और कैपिटल टी लिखना ये साइंटिफिकली गलत माना जाता है। हम एक रूल है कि हम डोमिनेंट को पहले लिखेंगे रिसेसिव को बाद में लिखेंगे, अर्थात ये सिस्टम ऐसे लिखना ठीक है और ऐसे लिखना टेक्निकली गलत है। इस कारण से हमने यहां सब में पहले कैपिटल लिखा है फिर स्मॉल लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी ये स्मॉल टी। तो इसमें ये प्योर टाल होगा, ये दोनों हाइब्रिड टाल होंगे और ये ड्वार्फ होगा। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसको, ये F2 जनरेशन है सेकेंडरी जनरेशन है, इसमें क्या होगा दोनों करैक्टर आएंगे टाल भी और ड्वार्फ भी। वो करैक्टर जो पहली जनरेशन में नहीं था, पहली जनरेशन में कौन सा करैक्टर था टाल, लेंथ में सारे ऑर्गेनिज्म टाल थे। अब इसमें सेकेंड जनरेशन में F2 जनरेशन में क्या हुआ कि इसमें टाल भी आए ड्वार्फ भी आए, तो F2 जनरेशन में दोनों करैक्टर आते हैं, वो करैक्टर जो पहली जनरेशन में नहीं था अर्थात इनमें ड्वार्फ नहीं था पर F2 में ये करैक्टर आता है। इस पे मेंडल ने अपना सेकंड लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल कहता है इफ टू हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म आर क्रॉस्ड फॉर ए सिंगल करैक्टर, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो एक करैक्टर में क्रॉस से एक करैक्टर के लिए हमने क्रॉस किया और उसमें जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म मिले, जब हम उन हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को आगे क्रॉस कराएं उनसे अगली जनरेशन की स्टडी करें तो अगली जनरेशन में दोनों करैक्टर बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव करैक्टर इन 3:1। इसको हम चेकर बोर्ड से भी दिखा सकते हैं, ये जो एक साइड के पेरेंट्स से दो तरह के गैमेट बनेंगे इसके लिए हम ये पुनीत स्क्वायर में ये चेकर बोर्ड है, एक तरफ से ये गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी
दूसरी तरफ से भी यही गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम इनका क्रॉस दिखाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे, एक बार इससे, इसकी भी इससे और इससे। तो स्ट्रक्चर यहां भी वही आई जो हमने यहां दिखाई है। ये चेकर बोर्ड है, पुनीत स्क्वायर है ये। इससे हम किसी भी जनरेशन में हम जीनोटाइप और फिनोटाइप देख लेते हैं। तो इस तरह से वो करैक्टर जो पहली जनरेशन में नहीं आया था वो दूसरी जनरेशन में आया, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसमें एक छोटी सी टर्म आपको याद करनी पड़ेगी, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कैपिटल टी स्ट्रक्चर वाला ऑर्गेनिज्म टाल है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये भी टाल है और स्मॉल टी वाला ड्वार्फ है। तो ये इनकी फिनोटाइप है, जो करैक्टर एक्सप्रेस करता है वो फिनोटाइप है। तो स्मॉल टी का फिनोटाइप ड्वार्फ है, इसका फिनोटाइप टाल है, इसका फिनोटाइप टाल है, दोनों का फिनोटाइप इनका टाल है। लेकिन जीनोटाइप है जेनिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप तीनों की अलग अलग है। एक जीनोटाइप जेनिक स्ट्रक्चर ये है, जीनोटाइप टीटी है, दोनों कैपिटल है। दूसरे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरे का स्मॉल टी। तो अगर हम मेंडल के क्रॉस में इसमें सेग्रीगेशन में हम जीनोटाइपिक रेशो देखें तो जीनोटाइपिक रेशो आएगी 1:2:1, क्योंकि कैपिटल टी कितने आए 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए 2 और स्मॉल टी कितने आए 1। तो जीनोटाइपिक रेशो आई 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशो 3:1, 3 टाल 1 ड्वार्फ, ये रेशो है फिनोटाइपिक रेशो। तो इस पे मेंडल ने अपना पहला और दूसरा जो लॉ दिया है वो दिया, और वो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन यहां एक छोटी सी बात और मेंडल बताया कि ये क्रॉस उसने दो तरह के किए। एक क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा क्रॉस है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल करैक्टर के लिए क्रॉस किया उसने, जैसे टाल। जब दो टाल ऑर्गेनिज्म में क्रॉस किया गया या एक टाल और एक ड्वार्फ में क्रॉस किया गया, हमने केवल एक करैक्टर कंसीडर किया, व्हेन ओनली वन करैक्टर इज कंसीडर्ड, तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। When two organism are crossed for a single pair of character, इनमें contrasting character है, एक टाल है, एक ड्वार्फ है, टाल का contrasting ड्वार्फ है, हमने एक ही character consider किया। When only one character is considered, then this type of cross is called monohybrid cross. तो मेंडल ने एक character के लिए cross किया, उसने और भी इस तरह से देखे, उसने पाया yellow seed color dominant है और इसमें ग्रीन सीड कलर रिसेसिव है। इसी तरह से उसने देखा राउंड सीड डोमिनेंट है और रिंकल्ड सीड रिसेसिव है। तो मेंडल ने मटर में इस तरह से रेड फ्लावर डोमिनेंट है और व्हाइट फ्लावर रिसेसिव है। तो उसने पेयर ढूंढे, कंट्रास्टिंग पेयर, जिनमें एक करेक्टर में डिफरेंस है, उनमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। इस तरह से उसने एक करेक्टर लेके क्रॉस किए और उसने हर एक में सेम रिजल्ट पाया कि पहली जनरेशन में F1 जनरेशन में जब प्योर ओरिजिन क्रॉस करेंगे तो सारे डोमिनेंट करेक्टर वाले होंगे, सारा एक करेक्टर आएगा, जो डोमिनेंट करेक्टर येल्लो ग्रीन में क्रॉस करेंगे तो सारे येल्लो वाले होंगे, राउंड और इंकर्ड में करेंगे तो F1 जनरेशन में सारे राउंड वाले होंगे, रेड और व्हाइट फ्लावर वाले में करेंगे तो F1 जनरेशन में सारे रेड फ्लावर वाले होंगे। इसका मतलब ये तो हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर अगर हम
वो जो एफ1 जनरेशन से बने इनमें किसी में भी एफ1 जनरेशन वाले डोमिनेंट का डोमिनेंट ट्रेट वाले का आगे क्रॉस करें तो एफ2 जनरेशन में दोनों 3:1 फिनोटिपिक रेशो 1:1 जीनोटिपिक रेशो, ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये एक करेक्टर के लिए क्रॉस है, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने केवल एक करेक्टर कंसिडर किया तो सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच वन करेक्टर इज कंसिडर्ड इज नोन एज मोनोहाइब्रिड। और ये मेंडल के दोनों लॉ, पहले जो दोनों लॉ थे लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। मेंडल ने इसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस पे भी एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उसने क्या देखा कि करैक्टर इंडिपेंडेंटली जाते हैं। अर्थात अब उसने मेंडल ने येलो सीड और राउंड सीड वाला और ग्रीन रिंकल्ड सीड वाला, यहां आप देखें दो पेयर ऑफ करेक्टर उसने लिए, टू कंटेस्टिंग पेयर। एक पेयर उसने लिया कलर ऑफ सीड, सीड कलर, सीड का कलर येलो भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, मटर में दो तरह के सीड होते हैं, एक येलो कलर के कुछ मटर होते हैं कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरे उसने सीड की शेप ली राउंड शेप और रिंकल्ड शेप, मटर की शेप भी दो तरह की होती है, एक राउंड बिल्कुल गोल होता है दाना फुला हुआ होता है, एक दाना सुकड़ा हुआ सा होता है थोड़ा सा रिंकल्ड होता है वो। इस तरह से उसने दो करेक्टर इकट्ठे लिए, दो इकट्ठे करेक्टर लेके सेम करेक्टर दो साथ साथ लेके जो क्रॉस किया उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो करेक्टर कंसीडर किए, तो जब दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, व्हेन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर आर टेकन फॉर क्रॉस, तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें उसने दो पेयर लिए करेक्टर के, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने पेयर लेने हमने, एक, डाईहाइब्रिड में कितने लेंगे दो। तो मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया, लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस लेने से पहले हम पहले थोड़ा सा मेंडल का वेरिएशन का जिक्र करेंगे। पहले तो मेंडल ने इनको कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो लिए इनको मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया, मेंडल ने कहा ये फैक्टर्स हैं। इसी में कैपिटल टी फैक्टर है, किसी में स्मॉल टी फैक्टर है। वास्तव में फैक्टर आज कुछ नहीं होते, मेंडल का ये जो टर्म थी फैक्टर, ये रॉन्ग टर्म थी। आज हम जानते हैं कि ये सारा जीन या क्रोमोसोम की वजह से है, आधे क्रोमोसोम एक पेरेंट से आते हैं, आधे क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आते हैं, आधे जीन एक पेरेंट से मिलते हैं, आधे जीन दूसरे पेरेंट से मिलते हैं, जिस कारण से हमारे अंदर ये हेरिडिटी है। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो इनको फैक्टर मानना, वो फैक्टर नहीं है, आज हम कहते हैं कि ये जीन्स हैं। लेकिन बात ये आती है जो मेन फैक्टर है कि कैपिटल टी आते ही मटर का पौधा टाल हो जाता है, चाहे दोनों कैपिटल टी आए चाहे एक कैपिटल टी आए, और स्मॉल टी आते ही दोनों ड्वार्फ हो जाता है। ये अपने को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैपिटल टी से पौधा टाल कैसे हुआ, स्मॉल टी से पौधा ड्वार्फ कैसे हुआ? वास्तव में जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। हमारे जितने करैक्टर हैं वो सारे जीन की प्रोडक्ट की बेस पे हैं, और हर जीन की प्रोडक्ट एक सेंट्रल डोगमा आगे पढ़ेंगे, उसमें वो जीन की प्रोडक्ट प्रोटीन है, हर जीन अपनी प्रोटीन बनाता है। इस केस में कैपिटल टी में वो प्रोटीन जो मटर के पौधे को लंबा करेगी, मटर के पौधे में टालनेस आएगी, वो खूब बनती है, दोनों फैक्टर बनाते हैं, दोनों की वजह से रिजल्टेंट प्रोटीन इज वेरी मच इन लार्ज अमाउंट। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में वो प्रोटीन बनी है लेकिन एक जीन से बनी है, थोड़ी कम बनी है, फिर भी वो करैक्टर लंबा होगा, इसमें वो प्रोटीन बनेगी नहीं। इसका मतलब हमारे सारे करैक्टर किसी ना किसी पार्टिकुलर प्रोटीन पे, और जो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन एंजाइम का काम करती हैं, कुछ प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करती हैं, कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में
एंजाइम और डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका काम करती हैं, तो ये सारे फैक्टर जो हमारे आते हैं वो इनके द्वारा जीन एक्सप्रेशन में आते हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कोई प्रोडक्ट बना के, तो इसलिए ये जो फैक्टर हैं दीज फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक बड़ा लकी आदमी था जिसकी वजह से उसके एक्सपेरिमेंट में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। बाद में पता लगा कि ये जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट आए या रिसेसिव आए, कुछ आगे ऐसे भी केस है जिनमें ना दोनों करेक्टर आते हैं और जिनमें कोई से के भी नहीं आते, इंटरमिक्स आते हैं। वो बाद में मेंडल के बाद पता लगा कि कुछ केस को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के भी हैं, जिनको बाद में साइंटिस्टों ने देखा और ढूंढा। लेकिन इससे पहले हम उनका जिक्र करें, पहले हम चर्चा करेंगे, मेंडल लकी था बहुत क्योंकि उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, पी प्लांट में ऐसा क्या था कि मेंडल को बड़ी कामयाबी मिली, मेंडल को कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ और मेंडल को इजीली एक्सपेरिमेंट करता रहा। इसके कई बहुत सारे रीजंस हैं, वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, वाई पी प्लांट सेलेक्टेड। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसका ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट है। मटर का पौधा 3-4 महीने में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। एक मटर आपने बो दिया तो 3-4 महीने में वो पक्के बीज बना देगा, पक जाएगा, अगली जनरेशन उसकी बन जाएगी। दूसरी बात, मटर के पौधे में बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं। अभी मैंने कुछ करेक्टर बताए आपको, 4-5 पेयर, ये कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर हैं। जैसे कुछ पौधे टाल होते हैं, कुछ पौधे ड्वार्फ होते हैं, कुछ पौधे रेड फ्लावर वाले हैं, कुछ पौधे व्हाइट फ्लावर वाले हैं, इनको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर। तीसरी बात, मटर के पौधे में आर्टिफिशियल पोलिनेशन करना बड़ा आसान है। हम सेलेक्टेड रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि टाल प्लांट और द्वार प्लांट को आपस में क्रॉस करें, तो हम टाल प्लांट के जो स्टेमन है वो तोड़ देंगे और द्वार प्लांट के पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे डाल देंगे, तो हमारा क्रॉस हो जाएगा, आर्टिफिशियल क्रॉस हो जाएगा, जैसे हम चाहते हैं वैसे क्रॉस हो जाएगा। ये इजी है क्रॉस करवाना, आर्टिफिशियल पोलिनेशन मटर में रिप्रोडक्शन करवाना, क्रॉस करवाना बड़ा आसान है। कोई भी बिना अनट्रेंड आदमी भी इजीली क्रॉस करवा सकता है, मनचाहा क्रॉस, डिजायर्ड क्रॉस इज पॉसिबल। हम चाहें इनके बीच क्रॉस हो तो डिजायर्ड क्रॉस मटर में इजीली पॉसिबल है, इसलिए मटर का पौधा बहुत अच्छा है। फोर्थ पॉइंट, मटर के पौधे में एक पौधे पे बहुत सारे बीज, मैनी सीड्स पर प्लांट। आपने एक मटर का पौधा बो दिया, एक मटर के पौधे में आपने क्रॉस करा दिया, तो उस एक पौधे पे आप कई सारे बीज बना सकते हैं। एक पौधे पे 15-20 फलियां आ जाती हैं और एक फली में 4-5 बीज हो जाते हैं, आपको एक प्लांट से ही लगभग 70-80 बीज मिल जाएंगे। तो काफी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में आपको प्लांट मिलेंगे, जनरेशन मिलेगी, सीड मिलेंगे, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर मटर का पौधा ग्रो कर जाता है मोस्ट प्लेसेज पे। ये एक ऐसा पौधा है जो ज्यादातर एरिया में उग जाता है। मटर का पौधा पहाड़ी एरिया में भी उग जाता है, मैदानी इलाकों में भी हो जाता है, कम बरसात हो तब भी हो जाता है, थोड़ी ज्यादा बरसात हो तब भी हो जाता है, और ये कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया में भी हो जाता है, थोड़े से गर्म एरिया में भी हो जाता है। इसका लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते। फिर इसके अलावा जो मटर का पौधा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पौधे में हम प्योर प्लांट इजीली छांट सकते हैं, जो उसने मेंडल ने क्रॉस किया, और रिजल्ट का एनालिसिस करना और प्योर प्लांट बनाना ये बड़ी इजी है। कंट्रास्टिंग करेक्टर मटर के पौधे में खूब है, जिसकी वजह से मेंडल ने इजीली क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली डेटा बनाया और वो कामयाब हुआ, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, उसने संख्या में भी और गुण में भी मेंडल ने
इस प्लांट में ये सारा किया, इसलिए मेंडल को कामयाब, तो मेंडल ने इसलिए पी प्लांट चुना, और ये पी प्लांट चुनना मेंडल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा लकी था। अब यहां यदि आप देखें, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो दो फैक्टर लिए, आज हम उनको एलील कहते हैं। तो मटर के पौधे में दो एलील थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन है जिनको हम एलील कहते हैं। मेंडल के केस में जो कैपिटल टी था वो डोमिनेंट था, स्मॉल टी रिसेसिव था। लेकिन बाद में क्या पता लगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है, वहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के बाद एक स्टडी की गई और पता लगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कुछ प्लांट में है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो ना तो पहले वाला ना ही दूसरे वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बल्कि दोनों की इंटरमिक्सिंग है इनकम्प्लीट में। जैसे स्नैप ड्रैगन एक फ्लावर है, एक प्लांट है जिसका स्नैप ड्रैगन में दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक रेड फ्लावर और एक व्हाइट फ्लावर। मेंडल के केस में क्या था, अगर रेड और व्हाइट प्योर का क्रॉस कराएं तो पहली जनरेशन में सारे रेड होंगे। मटर के पौधे में भी रेड और व्हाइट फ्लावर दो तरह के प्लांट थे, रेड फ्लावर वाले पौधे पहली जनरेशन में रेड फ्लावर ही बनाएंगे, चाहे उनका क्रॉस व्हाइट से कर दें चाहे रेड से कर दें। लेकिन यहां क्या हुआ, स्नैप ड्रैगन में जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक आते हैं। अब यहां एक अजीब स्थिति आई, यदि आप इसको एनालाइज करें आप देखेंगे ना तो डोमिनेंट करेक्टर आया ना रिसेसिव करेक्टर आया, इनमें दोनों में कोई डोमिनेंट रिसेसिव है ही नहीं। जबकि मेंडल के केस में पी प्लांट में क्या था कि रेड और व्हाइट का क्रॉस करते तो रेड आता, टाल और ड्वार्फ का क्रॉस करते तो टाल आता, एक करेक्टर आता जो डोमिनेंट है। यहां दोनों में से कोई सा भी करेक्टर नहीं आया बल्कि इंटरमीडिएट करेक्टर आया। ये एक केस को डोमिनेंस का है। इसमें स्नैप ड्रैगन में F1 जनरेशन में रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर में जब क्रॉस कराते हैं तो पहली जनरेशन में सारे पिंक पैदा होते हैं, और इन पिंक का फिर इंटर क्रॉस कराए मेंडल की तरह तो अगली जनरेशन में क्या होता है, एक रेड दो पिंक और एक व्हाइट। इसका मतलब जो हाइब्रिड है वो पिंक होगा। अगर हम इसकी बात करें, ये आर आर वाला रेड है और ये व्हाइट वाला, यहां कैपिटल और स्मॉल हम नहीं मानते क्योंकि दोनों में कोई भी डोमिनेंट नहीं है। इधर से कैपिटल आर आएगा, इधर से W आएगा, और जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म बनेगा वो R W वाला, ये कैसा होगा, पिंक। तो जो पिंक है ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ना तो ये रेड है ना ये व्हाइट है, बल्कि दोनों के मिक्सिंग के बाद पिंक आया। और जब इसका क्रॉस करेंगे आगे तो कॉम्बिनेशन में मेंडल लॉ की तरह R W आर डब्ल्यू और ये चेकर बोर्ड में आर 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 डब्ल्यू आर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये रेड, ये दोनों पिंक और ये व्हाइट। यहां एक स्पेशल बात आई कि आर आर रेड पिंक और व्हाइट की रेशो 1:2:1 है, जबकि इसमें जीनोटिपिक में आर 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 डब्ल्यू
डब्ल्यू डब्ल्यू की रेशो भी 1:2:1 है। इसमें जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो दोनों सेम है। अब देखें आर आर रेड एक, पिंक आर डब्ल्यू, दो पिंक होते हैं, जीनोटिपिक में भी दो ही हैं। फिनोटिपिक पिंक है आर डब्ल्यू का, जीनोटिपिक आर डब्ल्यू वाले दो हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू वाले एक हैं। तो यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशो, जो फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक के बराबर है तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद एक और स्टडी की गई कि कुछ जगह को डोमिनेंस भी है। को डोमिनेंस में दोनों बराबर एक्सप्रेस होते हैं। इन केस ऑफ को डोमिनेंस यहां तो कोई सा भी डोमिनेंट नहीं था, लेकिन कुछ केस ऐसे भी देखे गए जिनमें दोनों बराबर डोमिनेंट हैं। जैसे कुछ एनिमल के केस में ब्लैक कोट कलर और व्हाइट कोट कलर, स्किन का कलर, कुछ कैटल में ब्लैक और व्हाइट, इनमें क्रॉस करें तो एक मिक्स आएगा, ये पैचेज ब्लैक के ऊपर व्हाइट पैचेज, ये एक मुलेटो स्टेज है जिसमें क्या है, आपने कुछ इस तरह के जानवर देखे होंगे, कुत्तों में भी कुछ में है ये और गाय में भी है, गाय बछड़े में, के कुछ ऐसे गाय या बछड़े आपने देखे होंगे जिनका आधा शरीर पे जगह जगह सफेद और काले पैचेज हैं, स्किन पे सफेद और काले पैचेज हैं। कुत्तों में भी ये स्थिति है, उसके शरीर पे कहीं थोड़ा सा पैचेज स्किन पे काला है, फिर थोड़ा सा सफेद है या किसी और कलर का है। तो ये कोडोमिनेंस है जिसमें दोनों बराबर डोमिनेंट होते हैं, ब्लैक और भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, व्हाइट भी, तो ये केस है कोडोमिनेंस का। लेकिन मेंडल बदकिस्मती से मान लो या एक लकी मान लो, मेंडल के टाइम मटर में कोई भी ना तो कोडोमिनेंस है ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आदमी में एक ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल इसी कैटेगरी में आता है कि जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस भी है और रिसेसिव और डोमिनेंट भी है, जैसे ब्लड ग्रुप। आदमी में ब्लड ग्रुप के लिए तीन जीन रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें आई ए, आई बी, आई ओ। अगर हम आई ए को आई ओ के साथ लें, आई ए डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है, आई बी डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है। लेकिन अगर हम आई ए और आई बी को लें एक साथ, बोथ आर को डोमिनेंट, इक्वल डोमिनेंट हैं, इसको हम ब्लड ग्रुप में जिक्र करेंगे, ब्लड ग्रुप में हम इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से इसी के बाद में। तो ब्लड ग्रुप में ये आदमी में ये तीन जीन हैं जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। ये केस है मल्टीपल एलील।
एक ही जीन के तीन डिफरेंट फॉर्म हैं एंड व्हेन देयर आर थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलील. तो हमारे अंदर ये जो मल्टीपल एलील है ये ब्लड ग्रुप एक अच्छा एग्जाम्पल है. लेकिन इससे पहले हम ब्लड ग्रुप की चर्चा करें एक और हम छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे वो है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. टेस्ट क्रॉस हमने दो तरह के टाल प्लांट लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. आपने पढ़ा ये प्योर टाल है और ये हाइब्रिड टाल है. हमें कैसे पता लगे कि प्लांट प्योर टाल था या हाइब्रिड टाल था, इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे. इसको आइडेंटिफाई के लिए जो क्रॉस किया जाता है उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद प्योर रिसेसिव. ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस टू नो इट्स जीनोटाइप. यहां हम डोमिनेंट ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म क्रॉस करेंगे. जैसे इस केस में ये कैपिटल टी वाला कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसका क्रॉस किससे करेंगे, स्मॉल टी वाले से. या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है तो इसका क्रॉस भी हम स्मॉल टी वाले से करेंगे. हमें क्रॉस के बाद रिजल्ट से पता लगेगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो हमने क्रॉस किया ये प्योर था कि हाइब्रिड था. कैसे, अभी आप देखेंगे. सपोज करो अगर क्रॉस के बाद सारे ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट करेक्टर वाले बनते हैं, हमने एक टाल का क्या पता ये टाल कौन सा है, ये हाइब्रिड टाल है कि डोमिनेंट टाल है, इसका हमने क्रॉस किया टाल का एक ड्वार्फ के साथ. ड्वार्फ हमेशा होमोजाइगस होता है. तो अगर इसमें सभी टाल होते हैं तो ये कैसा था, प्योर था. और अगर टाल का ड्वार्व के साथ क्रॉस करवाने पर 50% टाल और 50% ड्वार्व आते हैं तो ये कैसा था, हाइब्रिड टाल था. इससे हमें जीनोटाइप पता लगाने में मदद मिलती है. वी कैन नो द जीनोटाइप ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस. In test cross, if in next generation both organism, both trait appears in equal ratio, then it is a hybrid. And if only one character is expressed, only one trait appears in all organism, then it is a dominant. इसको हम कहते हैं test cross. एक दूसरा आता है back cross. अभी जैसे मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया, ठीक है, उसने क्या पाया जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. ये रिजल्ट है मेंडल के फर्स्ट लॉ में जो प्रोडक्ट है जो F1 जनरेशन है उसका आगे, जिससे उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया. तो अगर हम इनका किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर इसके पेरेंट्स के साथ किसी के भी साथ क्रॉस कराएं
तो ये क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस. बैक क्रॉस में द क्रॉस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस. तो दो तरह के क्रॉस थे, एक टेस्ट क्रॉस और एक बैक क्रॉस. एक और भी क्रॉस होता है जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस इन रेसिप्रोकल क्रॉस द क्रॉस इज डन विद by changing parents mutually. कैसे? मान लो tall male और dwarf female में cross कराया आपने, तो इसका reciprocal cross हो जाएगा टाल फीमेल और ड्वार्फ मेल. हमने वो करैक्टर जो मेल में था वो फीमेल में ले लेना है, और जो करैक्टर फीमेल में था वो मेल में लेना है, इंटरचेंज कर देना है. मेल के करैक्टर फीमेल वाले, फीमेल के करैक्टर मेल वाले लेके जो हम क्रॉस कराएंगे दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस. तो इस तरह से मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो लॉ आए. कौन कौन से? पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसमें उसने अपना लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो करैक्टर लिए, जैसे राउंड और येलो सीड और रिंकल्ड और ग्रीन सीड. यहां राउंड तो डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है. राउंड को प्योर को आर आर और प्योर येलो को वाई वाई, ये दोनों के लिए प्योर है, और ये रिंकल्ड वाला आर आर वाई वाई. इसके दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक तरफ से आर वाई सभी और इधर से स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले गैमेट बनेंगे जब इनको क्रॉस करवाएंगे. तो पहली जनरेशन में आर आर सभी राउंड और येलो. अब मेंडल ने आगे इनका क्रॉस किया, ये जो F1 जनरेशन में ये लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू हुआ, यहां सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो राउंड येलो वाले बनेंगे, क्योंकि राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट हैं. जब इस राउंड और येलो सीड वाले अगली जनरेशन में क्रॉस करेंगे, यानी कि आर आर वाई वाई और ये भी, तो यहां लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है एक, जितने भी प्रोबेबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक इधर से और एक इधर से,
चार तरह के गैमिट पॉसिबल हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार तरह के गैमिट ये बनाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से एक एक पेयर में से हमने एक लेना है, इधर से भी हम एक लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इनका जो क्रॉस है वो क्रॉस हम दिखाएंगे चेक कर बोर्ड पे। चेकर बोर्ड में चार तरह के गैमिट है, हम चार चार कॉलम बनाएंगे। एक तरफ के गैमिट लेफ्ट साइड में लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक गैमिट इधर लिख दें, एक गैमिट इधर लिख दें, ये एक पेरेंट से है, ये दूसरे पेरेंट से है। अब क्रॉस में जब हम इनको क्रॉस दिखाएंगे कंबिनेशन करेंगे तो पहले कॉलम में आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। अब यहां करेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमने इसके साथ ये पूरी लाइन ऐड कर देनी है, पहले आर को इकट्ठे लिखेंगे एक साथ, वाई को एक साथ। इसमें दूसरी लाइन में आप देखें कैपिटल आर यहां है कैपिटल आर यहां, तो हम लिखेंगे दोनों कैपिटल आर है। वाई में एक वाई कैपिटल है एक वाई स्मॉल है, तो कैपिटल को पहले लिखेंगे स्मॉल को बाद में लिखेंगे। यहां कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां से फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां से फिर लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां लिखेंगे स्मॉल आर ये दोनों कैपिटल आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये 16 टोटल चार तरह के गैमिट थे, उनके क्रॉस से कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे 16। इसमें यदि आप देखें ये जिसमें कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर है वो कैसे होंगे, वो राउंड होंगे, और स्मॉल आर वाले कैसे होंगे, ये रिंकल्ड होंगे। कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दोनों सारे येलो होंगे, और स्मॉल वाई वाली कैसे होंगे, ये ग्रीन होंगे। तो यदि आप इसमें चेकर बोर्ड में देखें ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये, यानी कि ट्रायंगल वाले में हर ऑर्गेनिज्म टोटल हो जाएंगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तो बनेंगे राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, ये भी राउंड ग्रीन और ये भी राउंड ग्रीन, तीन बनेंगे राउंड और ग्रीन। ये रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो,
तीन बनेंगे रिंकल येलो और ये बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो 9331 इस रेशो में बनेंगे। इसमें जो एक विशेष बात आई वो क्या आई, हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म लिए, कौन कौन से, एक हमने लिए थे राउंड येलो और एक लिए थे हमने रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमने क्रॉस लिया था वो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन का था, लेकिन जो जनरेशन में हमारे पास बने वो कौन कौन से बने, राउंड येलो भी बने, रिंकल्ड ग्रीन भी बने और एक राउंड ग्रीन भी बने जो हमने नहीं लिए, और दूसरे रिंकल्ड येलो भी बने, ये भी हमने नहीं लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो नई तरह के ऑर्गेनिज्म बन गए जो नहीं थे। ऐसा ही हर पॉपुलेशन में होता है, हर पॉपुलेशन में ऐसा ही होता है कि कुछ नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जो नए बनते हैं इनको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं रिकम्बिनेंट। तो मेंडल के क्रॉस में जो नए ऑर्गेनिज्म बने उनको रिकम्बिनेंट का नाम दिया गया। दो रिकम्बिनेंट बने, एक राउंड ग्रीन और एक रिंकल्ड येलो। इस पे मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये जो करैक्टर्स हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हुए अगली जनरेशन में। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ये ला डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस बोथ दी करैक्टर्स, बोथ दी ट्रेट्स, बोथ फीचर्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ येलो जाएगा, नहीं, राउंड का येलो से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। राउंड इंडिपेंडेंट जाएगा, येलो इंडिपेंडेंटली जाएगा, जिसकी वजह से ये राउंड ग्रीन के साथ भी चला गया, रिंकल्ड येलो के साथ भी चला गया। दो नए कॉम्बिनेशन बने और ये कॉम्बिनेशन है रिकम्बिनेंट। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में गैमेट फॉर्मेशन में जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटाइपिक रेशो क्या है, तो फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1। ये मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस है। मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 की रेशो आई, जो कि ये मेंडल का थर्ड लॉ था। इस तरह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए। अब हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप भी जेनेटिक्स का टॉपिक है। हम जानते हैं चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, ए बी, ए बी और ओ। अगर हम इनकी जेनेटिक कंपोजिशन देखें, ए ग्रुप की जेनेटिक कंपोजिशन दो हैं, आई ए आई ए और आई ए आई ओ। बी की ए बी की एक ही है और ओ की, इस तरह से छह जीनोटाइप हैं ब्लड ग्रुप के, ए बी ए बी और ओ। ग्रुप चार हैं, ए और बी के दो दो जीनोटाइप हैं। ये वाला होमोजाइगस है ए, ये वाला हिटरोजाइगस ए है, ये होमोजाइगस बी है, ये हिटरोजाइगस बी है। ये ए बी सदा ही हिटरोजाइगस होता है
और ओ हमेशा होमोजाइगस होता है। ये छह जीनोटाइप में चार ब्लड ग्रुप हैं, चारों ब्लड ग्रुप के छह जीनोटाइप हैं, ए और बी के दो दो जीनोटाइप हैं, ओ और ए बी के एक जीनोटाइप हैं, ए बी का एक है, ओ का एक है, इस तरह से टोटल छह जीनोटाइप हमारे ब्लड ग्रुप के हैं, जिनका इनहेरिटेंस मेंडल के इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो हम बच्चे का ब्लड ग्रुप इजीली पता लगा लेते हैं। वास्तव में ब्लड ग्रुप का फैक्टर क्या है, ये ब्लड ग्रुप में जो नाम दिए गए हैं इसमें अगर हम देखें, ये ब्लड ग्रुप का नाम कौन कौन से ब्लड ग्रुप लिए हमने, चार, ये चार ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ किस बेस पे ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स हैं ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन एक प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन पाई जाती है आरबीसी की सरफेस के ऊपर, और एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में। जिसके ब्लड में जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप होगा। मान लो किसी के ब्लड में ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, केवल ए एंटीजन। किसी के ब्लड ग्रुप में केवल बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। दोनों एंटीजन हो किसी में, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है देन द ब्लड ग्रुप विल बी ओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड ग्रुप की जो टाइप है हम एंटीजन की प्रेजेंस के बेस पे कंसीडर करते हैं। अगर ब्लड में ए एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे तो एंटीजन ए देन द ब्लड ग्रुप विल बी ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप विल बी बी, एंटीजन बोथ ए एंड बी ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, एंड एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप विल बी ओ, ओ मीन्स जीरो। अब एंटीबॉडी जिसमें जो एंटीजन है उसकी उल्टी एंटीबॉडी होती है, अर्थात कॉम्बिनेशन ए भी होगा। एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एंटीबॉडी को स्मॉल में। ए एंटीजन में बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन में ए एंटीबॉडी होगी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगी। ब्लड किससे लिया जाएगा, ब्लड उससे लिया जाता है जिसमें अपने बराबर या अपने से कम एंटीजन हो और एंटीबॉडी अपने से ज्यादा हो। अब देखें ए ग्रुप में एंटीजन ए है, ए या ए से कम एंटीजन केवल ए और ओ में है, तो ये किससे ब्लड लेगा, ए और ओ से। बी से कम एंटीजन किसमें है, ओ में और बी के बराबर बी में, ये बी और ओ से लेगा। ए बी में सबसे ज्यादा एंटीजन है, इस सब में इससे कम एंटीजन है इसलिए ये सभी से लेगा। ओ से सब में ज्यादा एंटीजन है, ओ से कम एंटीजन किसी में नहीं इसलिए ओ किसी से नहीं ले सकता, केवल ओ से लेगा। ब्लड किसको देंगे, ब्लड उसको देंगे जिसमें अपने से ज्यादा एंटीजन हो। ए वाला आप देखें ध्यान से, ए से ज्यादा एंटीजन किसमें है, ए बी में है, तो ए वाला किसको ब्लड देगा, ए को और ए बी को। बी वाला किसको देगा, बी को और ए बी को।
एबी से ज्यादा एंटीजन किसी में नहीं है, इसमें दोनों एंटीजन है, बाकी सब में कम है, इसलिए ये केवल एबी को देगा। ओ से सब में ज्यादा एंटीजन है, इसलिए ओ सभी को देगा। अब आप इसको देखें, ओ कैन गिव ब्लड टू ऑल, सो ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ए बी कैन टेक ब्लड फ्रॉम ऑल, सो ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो सबको ब्लड दे सकता हो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ एक ऐसा ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है कोवलेंटली, और ए भी सबसे ले सकता है, जो सबसे ले यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो सबको दे यूनिवर्सल डोनर। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम उसी से ब्लड लेते हैं जिससे हमारा ब्लड ग्रुप मैच करता हो। वास्तव में हम ए वाला ए से ब्लड लेगा, बी वाला बी से लेगा, ए बी वाला ए बी से लेगा, ओ वाला ओ से लेगा, क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी उतनी होनी चाहिए जितनी हमारे अंदर है, इसलिए हम कंसीडर करते हैं सेम ग्रुप से ब्लड लें, हम डिफरेंट से ना लें। ओ वाला सबको ब्लड हम कॉमन प्रैक्टिस में नहीं लेते, ओ वाला सबको दे सकता है, हमने अभी पढ़ा ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में ताकि एंटीजन एंटीबॉडी ना बिगड़े, आप देख रहे होंगे ओ में कोई एंटीजन नहीं है, अगर ओ का ब्लड हम ए को दे देंगे तो ओ में से उसको ए को एंटीजन नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से ए में एंटीजन पूरी नहीं होती। तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं ओ वाला ओ वाले कोई ब्लड दे, ए वाला ए वाले को दे। इसके अलावा ब्लड देने लेने में एक चीज का और ध्यान रखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का। ये सारे ब्लड दो दो तरह के हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इस तरह टोटल ब्लड ग्रुप 8 तरह के हैं, और ये 8 ब्लड ग्रुप में लेते हुए पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखा जाता है। इसका विस्तृत वर्णन हम अगले लेक्चर में करेंगे कि ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे है, ब्लड ग्रुप का डोनेशन कैसे है, किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप बनते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप में एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, क्या कि कई बार बच्चा ऐसे केस में नहीं होता, पेरेंट्स को बच्चा अगली जनरेशन में बच्चे में ऐसे करेक्टर आ जाते हैं कि वो बच्चा या तो पैदा नहीं होगा, जिसको हम एक इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं, उसका वर्णन हम आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी, धन्यवाद।